हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, लगभग 7 बजे होंगे। और यहाँ पर देखिए, हम लोग मटर छुड़ा रहे हैं और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो अभी ना सुबह का टाइम है और हम लोग जल्दी ही खाना बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कढ़ाई में प्याज लहसुन और मिर्ची को भून ले रहे हैं और आज हम लोग आलू और मटर की सब्जी बनाएंगे। आजकल तो सीजन चल रहा है मटर का, तो हम लोग खरीद के नहीं लाए थे, खेत से ही तोड़ करके लाए हुए थे। तो पहले आलू को भून लेंगे और ज़्यादा देर हम लोग प्याज लहसुन को नहीं भुने हैं, क्योंकि आलू को भूनते भूनते ना जल जाता है। इसीलिए थोड़ा सा भूनने के बाद जो है आलू को डाल दे रहे हैं। मेरे स्वामी जी बना रहे हैं सब्जी और साथ में मैं भी हूँ, दोनों मिलके कर रहे हैं। पर मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इसलिए वो चला रहे हैं सब्जी को और अभी घर में ही बना रहे हैं। और आजकल हमारा घर बिल्कुल भी ख़राब हो गया है, देख सकते हैं, देखने लायक भी नहीं है। 3-4 महीने नहीं रहने के बाद जो है चूहा बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है हमारा घर को। तो आज मैं साफ़ करूँगी। आप सब वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मटर को भी डाल रहे हैं और हमारा चावल जो है बन चुका है। तो मटर आलू को डाल दिए हैं और जैसा हम लोग खाते हैं वैसा मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो आप सभी को अच्छा लगे या ना लगे बताइएगा। और थोड़ी देर इनको भून लेंगे, उसके बाद जो है मसाला को डालेंगे। तो अभी जल्दीबाजी में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को घर भी साफ़ करना है। तो देखिए, यहाँ पर मिट्टी को लाए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग का घर तो किनार में है, तो मिट्टी भी ज़्यादा दूर में नहीं है, बस यहाँ पर खोद के लाए हुए हैं। और इनको अभी मैं पानी डाल के, पहले ही पानी डाल दी थी कुछ देर पहले, 10-15 मिनट पहले। उसके बाद अभी मैं इस परात में उठाऊंगी और फिर घर में ले जाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसी जगह पर हम लोग खाना बनाते हैं, तो दीवार के ऊपर ऊपर मैं मिट्टी से पुताई कर दी हूँ और नीचे साइड अभी बाकी है। तो इधर ना पहले ही मैं की थी, पर बरसात के समय में एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो मेरा दीवार बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो अभी मैं इनको अच्छे से कर रही हूँ और देखिए, अभी मेरा ऊपर वाला हो गया है, अब मैं नीचे का करूँगी। तो नीचे का करूँगी और यहाँ पर देखिए, मेरे स्वामी जी जो है इधर घास हो गया है तो उनको साफ़ सुथरा कर रहे हैं। और इस दीवार के साइड जो है गड्ढा टाइप का है थोड़ा सा, तो वहाँ पे मिट्टी भर रहे हैं समतल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा घास होता है, दुब घास होता है, तो उनको ना छीलने से भी वो और निकल जाता है। अभी तो साफ़ हो गया है लेकिन कुछ दिन में जो है और निकल जाएगा, लेकिन जितना दिन रहेगा साफ उतना दिन तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं अभी ज़मीन को पोत रही हूँ मिट्टी से, ये लाल मिट्टी है, इसके बाद गोबर से लिपाई कर दूँगी। तो अभी कुछ अच्छा दिख रहा है और गोबर से लिपाई करूँगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, अंधेरा टाइप का है ना इसी वजह से, और बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है ये सब करने में, लेकिन ये सब जब तक नहीं करूँगी तब तक मुझे फ्रेश नहीं लगेगा। तो अभी मैं इनको दरवाज़ा के साइड नहीं करूँगी। और देखिए, घर की पुताई करने के बाद जो है इधर हम लोग आ गए हैं साग तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे भथुआ का साग है, उसी को तोड़ रहे हैं। और यहाँ का भथुआ जो है फूल गया है, इसमें फूल हो गए हैं, तो जिसमें फूल नहीं हुआ है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। और अभी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ,
और आलू लगाए हुए थे यहाँ पर, लेकिन पाला मरता है ना, तो आलू सब जल गया है। और यहाँ पे मैं भी तोड़ रही हूँ अभी। तो हमारे घर के सामने ही है हम लोग का खेत नहीं है, ये दूसरे लोगों का है, हम लोग का नीचे सेट का है। तो यहाँ पर देखिए अनानास का पौधा लगाए हुए हैं, और वो सरसों दिख रहा है वो हम लोग का है। तो यहाँ पे भथुआ है, यहाँ का भथुआ में फूल नहीं हुआ है, तो यहाँ हम लोग तोड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, और पता नहीं अनानास कैसे होता है, पहले पहली बार ही यहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा साग हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी एक नए वीडियो के संग में, तब तक के लिए बाय बाय।